सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले की लगातार सुनवाई कर रहा है। उम्मीद है कि 17 नवंबर तक फैसला भी आ जाएगा। इसी बीच आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां एक मंदिर था। के मोहम्मद नॉर्थ एएसआई के आंचलिक निदेशक रह चुके हैं और 1976-77 में मंदिर मस्जिद मामले में हुई जांच के समय वो टीम का हिस्सा थे। मोहम्मद ने मीडिया को बताया कि क्यों मुसलमानों को अपनी इच्छा से अयोध्या की विवादित भूमि सौंप देनी चाहिए। विवादित बाबरी मस्जिद के नीचे मिले सबूतों से पता चलता है कि वहां एक बड़ा मंदिर था। 1976-77 में बीबी लाल की अगुवाई में पहली बार उत्खनन किया गया। मुझे याद है कि मैं अकेला ही मुसलमान उस टीम में था। ये खुदाई तब हुई थी जब इतिहासकार सैयद नूरुल हसन सांस्कृतिक मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। मोहम्मद ने बताया कि पूरा इलाका पुलिस के कब्जे में था और आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। हमने देखा कि मस्जिद के 12 स्तंभ ऐसे थे जो कि मंदिर के अवशेष थे। ये पिलर मंदिर के ही थे। इस मामले में तर्क देते हुए मोहम्मद ने कहा, 12वीं और 13वीं शताब्दी के अधिकतर मंदिरों के स्तंभों में आधार पूर्ण कलश के जैसा होता था, जो कि हिंदू धर्म में समृद्धि का प्रतीक है। इसे अष्ट मंगल चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जो कि 8 पवित्र चिन्हों में से एक है। मंदिरों को तोड़कर बनी थी मस्जिद। कुतुब मीनार के अलावा कुवातुल इस्लाम मस्जिद भी 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। ताजुल मसीर नाम की किताब में इतिहासकार हसन निजामी ने इसके प्रमाण भी दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कुवातुल मस्जिद में भी पूर्ण कलश मिले थे और देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। ऐसा ही मामला बाबरी मस्जिद का भी है। वहां देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली, लेकिन अष्टमंगल चिन्ह मिले। ऐसे में कोई भी पुरातत्ववेत्ता कहेगा कि वे मंदिर के अवशेष थे। खुदाई में मिली है मूर्तियां। बाबरी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में जब खुदाई की गई तो कई टेरा कोटा मिले, जो कि मानवों और जानवरों की आकृतियां थीं। मोहम्मद ने कहा कि मस्जिद में ऐसी आकृतियां नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हें इस्लाम में हराम बताया गया है। उन्होंने कहा कि बीबी लाल ने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि जांच का उद्देश्य ये बताना नहीं था कि वहां मंदिर था या नहीं, बल्कि उस जगह के सांस्कृतिक विकास को जानना था। झूठे हैं कई इतिहासकार। आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि 1990 के आसपास उस जगह पर रोमिला थापर, डीएन झा और आरएस शर्मा जैसे इतिहासकार पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि मंदिर का कोई अवशेष नहीं पाया गया, जो कि सरासर झूठ था। ये भी कहा गया कि रिपोर्ट में मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। बीबी लाल ने स्पष्ट किया कि उन्हें बड़ी संख्या में मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन उन्हें मुद्दा नहीं बनाया गया। अयोध्या है बेहद खास। मोहम्मद ने कहा कि ये स्थान हिंदुओं के लिए मक्का और मदीना की तरह है, लिहाजा इसे खुशी से हैंडओवर कर देना चाहिए। दूसरी बार 2003 में खुदाई हुई, लेकिन तब तक मस्जिद गिराई जा चुकी थी, इसलिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया। इसमें भी पता चला कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी कई स्ट्रक्चर थे। ये खुदाई हरी मांझी और बीआर मणि की देखरेख में की गई। उन्होंने बताया कि दूसरी बार की खुदाई में 90 स्तंभ मिले। इसका मतलब है कि मस्जिद से पहले का स्ट्रक्चर काफी बड़ा था। दूसरी बार की खुदाई में घड़ियाल के आकार की प्रणाली यानी जलाभिषेक के बाद पानी बहाने वाला स्ट्रक्चर मिला। इस खुदाई में टेराकोटा के करीब 263 टुकड़े मिले, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के थे। क्योंकि मस्जिद में जीवित प्राणियों के चित्र नहीं बनाए जा सकते, तो ये मस्जिद कैसे हो सकती है।